यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों में अब पुलिस का या फिर यूं कहें कि खाकी का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा। और ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है बल्कि हकीकत है। अगर आपको यकीन ना हो तो पहले इस वीडियो को देखिए, देखिए कैसे एक दबंग बिना किसी डर के बेखौफ होकर हवाई फायरिंग कर रहा है। चलिए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल ये पूरी घटना नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के रबुपुरा कस्बे की है, जहां पर एक परिवार के घर पर कुछ दबंगों ने रात के समय फायरिंग कर दी, क्योंकि कुछ दिन पहले घर वालों और दबंगों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। उस दौरान पुलिस ने दबंगों के बजाय पीड़ितों को ही 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था, लेकिन फिर भी दबंग नहीं माने और रात के समय पीड़ित के घर के बाहर पहुंचकर अवैध पिस्तल से 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। फायरिंग करने के बाद दबंग चिल्लाते रहे और गाली गलौज करते रहे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत रबुपुरा थाने में की तो पुलिस उल्टा उन्हें धमकाने लगी और उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। कल रात में 11 से 12 बजे के बीच में हमारा घर में 5 फायरिंग करा गई है और उसमें मेरा आदमी भी नहीं थी। थाने में हम रिपोर्ट दिया, वीडियो भी बना के दिया, किंतु उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ आए हुए? कमिश्नर ऑफिस में आई हूँ। अच्छा, तो शिकायत दी आपने? हाँ, मैंने दिया। किसी को झगड़ा हुआ? कोई पिछले हफ्ता झगड़ा हुआ था तो मेरा आदमी को अकेली जेल भेजा गई थी, उन्हें नहीं भेजा गई थी और उस वजह से ये ज्यादा परेशान कर दे रही है ना, दुश्वार कर दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर दे। अभी गौतम बुद्ध नगर सर गाँव में अभी कल रात फायरिंग हुई थी और उस वजह से हम परेशान हो गए, यहाँ से जाना चाह रहे हैं। बस अपना घर पर छोड़ दिया, बस कमर मल लेकर बस जैसे तैसे भागे हैं वहाँ से। जो हाथ लगा हमें, ये थोड़ा बहुत सामान हाथ लगा, इसे लेकर अब जा रहे हैं, देखेंगे कहाँ रहेंगे क्या करना। पुलिस से शिकायत कर रही है सर, पुलिस उल्टा ही हमें डांट रही है और मेरे पास दरोगा जी की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं मुझसे कि तू यहाँ पे आ जा थाने पे, नहीं तो तुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। फायरिंग की कौन लोग थे? हमारे मोहल्ले की सर, मोहल्ले के लड़के हैं 2-3। हाँ जी, उन्होंने फायरिंग करी। कुछ हफ्ता भर पहले झगड़ा हुआ था उनसे, जिसमें मैं ही जेल गया हूँ ना, उन दोनों को भेजा ही नहीं जेल, मुझे अकेले को जेल भेजा। अब फिर वही लफड़ा, अब उन्होंने फायरिंग करी, फिर वो चालबाजी पैसा खिला गया पुलिस को और उनके घर में जुआ सट्टा और क्या बोलते हैं उसको, मैच फिक्सिंग चलती है, जिससे वो पुलिस को 1,00,000 रुपये पर महीना देते हैं, तो उसकी ज़्यादा पूछ हमारी है नहीं। बता दें कि फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पीड़ित पलायन करने के लिए मजबूर है। उन्होंने अपने परिवार के साथ घर को छोड़ दिया है। पीड़ित अपने परिवार के साथ कमिश्नर कार्यालय सूरजपुर पहुंचकर अपनी जान की रक्षा की गुहार लगाई है। सुनिए पुलिस का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। प्रकरण रघुपुरा कस्बे का है, प्रकरण को संज्ञानित करते हुए ACP 4 को मौके पर भेजा गया है, शांति व्यवस्था कायम है। वहाँ पर दिए गए प्रार्थना पत्र एवं वीडियो फुटेज के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल रबुपुरा थाना पुलिस पर उठता है कि आखिर घटना जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तो दबंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई अब तक? आखिर इतने दिनों तक पुलिस क्यों खामोश है? वही सवाल ये भी, क्या अब लोगों से खाकी का भरोसा उठ गया है? पंजाब की सीसीटीवी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।